नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 20 नवंबर को प्रहार टाइम्स ने आपको एक खबर बताई थी जिसमें दिवा परिसर से घर फोड़ी के मामले में मुमरा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था, मगर उस वक्त उनके पास से कुछ भी रिकवरी नहीं हो पाई थी। दरअसल ये दोनों आरोपी दीवा में 10 घरफोड़ी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें मुख्य आरोपी विशाल विलास सेटगे और रामचंद्र सोनू भेंगे हैं। ये लोग पहले इलाके में रेकी करते थे, उसके बाद किसी घर में चोरी को अंजाम देते थे। ये लोग ज़्यादातर डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल कर घरों का ताला खोल कर सोना चांदी टीवी गैस सिलेंडर लैपटॉप जैसी चीजें चुरा ले जाते थे। इन लोगों ने पुलिस को जो जानकारी दी है उसमें 10 घरफोड़ी की बात बताई है, मगर इनसे रिकवरी लेने में मुमरा पुलिस को महीने गुजर गए। फिलहाल मुमरा पुलिस ने इनके पास से रिकवरी अब कर ली है। इसकी जानकारी डॉक्टर डीसीपी स्वामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। दीवा में हमने एपीआई क्षीरसागर और उनकी टीम जो है वहाँ पे बीट की टीम, उनको जो है वो प्लेन क्लोथ में फुट पेट्रोलिंग के लिए हमने वहाँ पे वो उसको आदेश दिए थे। उसके अनुसार जो है वहाँ पे उनके पुलिस नायक जो मोरे है उनको एक सस्पेक्ट एक पर्सन ऐसा लगा, उसको उन्होंने ताबे में लिया। उसका नाम विनय शेडगे है, तो विशाल शेडगे है। तो विशाल शेडगे जो है विशाल शेडगे ने उसका और एक साथीदार जो रामचंद्र मुंगे है उसको भी हमने हिरासत में लिया और दोनों से जो है 10 घरफोड़ यहाँ पे हमने डिटेक्ट की है। इसमें बेसिकली जो है ये जो चौल है वो चौल में ये एरिया में जाते थे, वहाँ पे कोई नहीं है, उसका रेकी करना और रेकी करने के बाद जो है वहाँ पे एंट्री करना और वो चाबी से जो उनके जो ये है छन्नी है हथौड़ा है उससे जो है वो एंट्री करते थे। घर में एंट्री करने के बाद टीवी, उसके बाद सिलेंडर, लैपटॉप, जो भी कुछ ऐसी चीज़ें और जहाँ पे गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ऐसा करके 10 टीवी, 2 लैपटॉप, 10 सिलेंडर और जो है 165 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली 16 तोला जो है 16.5 तोले ये गोल्ड रिकवर किया है, उसके ऑर्नामेंट्स रिकवर किए हैं। और ये जो है बेसिकली वहाँ पे किसी व्हीकल का यूज़ नहीं करते थे, वहाँ पे जाना और कोई हम दुरुस्ती के लिए आए हैं ऐसा करके वो पूरा सामान वहाँ से लेते थे और बाहर रोड पे आने के बाद वो व्हीकल का यूज़ ऑटो वगैरह जो उसका यूज़ करते थे। कहीं जो है रेगुलेटर भी कहीं बेचा, उन्होंने सिलेंडर भी दिया है, कोई रिलेटिव को उन्होंने टीवी वगैरह दिए थे तो वहाँ से पूरा रिकवर किया हुआ है। और ये दो आरोपी जो है अभी हिरासत में है, उनका भी आज आखिरी दिन है, 3 दिन PCR मिला था, आखिरी दिन है, उसके बाद भी और उनसे कुछ हमारा इंट्रोगेशन चालू रहेगा, इन्वेस्टिगेशन आगे हम करेंगे। जिस तरह से ये दोनों दीवा परिसर में घरफोड़ी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे इससे इलाके में काफ़ी डर का माहौल था। ये दोनों आरोपी रामचंद्र सोनू भेंगे और विशाल विलास सेटगे तो गिरफ्तार हो गए हैं, मगर वहीं इनका एक तीसरा आरोपी जो अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से 165 ग्राम सोना, 25 ग्राम चांदी, 10 गैस सिलेंडर, 7 LED टीवी, 2 लैपटॉप बरामद की है जिसकी कीमत 6,29,000 रुपये बताई जा रही है। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ 454, 380, 457 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन आरोपियों को पकड़ने में अजीत बड़े, यादव पाटिल, हवलदार पीसे, राजपूत वाघमारे, हुलवान शामिल थे। वहीं इस पूरे मामले की जांच हनुमंत क्षीरसागर कर रहे हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।